फिनॉफ्थलीन डाइटेस्ट। फिनॉफ्थलीन डाइटेस्ट में थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं और 2 मोल फिनॉल लेते हैं और इन दोनों को कंसंट्रेटेड एस्टोसफोर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और हमें मिलता है फिर उसके बाद फिनॉफ्थलीन, जिसका कलर होता है डार्क पिंक कलर। तो ये कैसे होता है और किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम करते क्या है कि फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। फिनॉल हो गया और ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसीलिए इसको थैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। देखिए, फिनॉल एक बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है। तो हम जानते हैं कि ये अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब ज़्यादा बढ़ाए रखता है। तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। देखिए, ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये जो प्लस है, कार्बन का जो प्लस है, ये वाला जो प्लस है, ये इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। चाहे तो आर्थो पर भी कर सकता है, लेकिन आर्थो और पैरा में, यहाँ देखिए, आर्थो और पैरा में सबसे ईजिली एक्सेस इसका पैरा पे होगा, इसलिए पैरा पे अटैक करेगा ये। तो या फिर बेहतर ये होगा कि इसी को उठा कर दें यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसी को उठा के यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए। हमने इसको ऐसे लिख लिया, उसके बाद C क्या हो गया, O माइनस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ गया फिनॉल का ये वाला पार्ट, ये वाला पैरा पार्ट। तो इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, OH हो गया। बाकी एज इट इज़ हमने इसको लिख लिया एज इट इज़। अब चूंकि मीडियम हमारा एसिडिक है और O माइनस का स्ट्रांग प्लस आई इफेक्ट होता है, तो O माइनस सोलूशन में क्या करेगा, H प्लस को खींच लेगा, क्योंकि O माइनस का स्ट्रांग प्लस आई इफेक्ट है। मतलब क्या हुआ, O माइनस इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और मीडियम एसिडिक है तो H प्लस घूम रहे होंगे, तो इस H प्लस को क्या करेगा, बुला लेगा। तो ये O माइनस जो है इस H प्लस पे अटैक कर देगा और ये बन गया, देखिए ऐसा COH, और यहाँ पे मैं फिनॉल लगा देता हूँ और एज इट इज़ O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर ये हो गया। अब चूंकि मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक है, इसलिए H प्लस फिर से अटैक कर देगा यहाँ पे, H प्लस फिर से अटैक कर देगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में लोन पेयर जिंदा नहीं बचता है, लोन पेयर मारा जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है। तो यहाँ से जो है इस लोन पेयर पे H प्लस अटैक कर देगा, तो एक बार फिर से क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। H2O बेस्ट लिविंग ग्रुप है, मैं अब लिखूँगा नहीं। तो ये हो गया हमारे पास H2O लीव हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा C, ये हो गया प्लस, और यहाँ से जुड़ गया फिनॉल, ये हो गया, और इसको एज इट इज़ मैंने जैसे था वैसे ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा मोल फिनॉल हम लेंगे यहाँ पे, सेकेंड मोल फिनॉल। अब सेकेंड मोल फिनॉल के लिए ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। एक बार फिर से इसके आर्थो से ज़्यादा इजीली एक्सेस कहाँ पे है, पैरा पे है, तो ये पैरा पे फिर से अटैक कर देगा ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको उठा के यहीं पे लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारा सी, यहीं पे मैं फिनॉल को चिपका देता हूँ, और ये हो गया फिनॉल, और ये हो गया हमारा फिनॉल, और ये हो गया हमारा ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बन गया हमारा, इसे ही हम बोलते हैं फिनॉफ्थेलीन। देखिए, दिस इज कॉल्ड फिनॉफ्थेलीन, 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 जिसका कलर क्या होता है, डार्क पिंक कलर होता है। अब आइए इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा, जैसे मान लीजिए ये 3 दे दिया, पूछेगा इसमें से कौन सा फिनॉल जो है अटैक करेगा, या कौन सा फिनॉल अटैक नहीं, कौन सा फिनॉल जो है फिनॉफ्थेलीन डाइटेस देगा। ये हो गया CH3, ये हो गया फिनॉल, और ये हो गया CH3। तो इसमें से कौन सा डाइटेस्ट देगा,
या आपसे ये पूछ सकता है इसमें कौन से डाई टेस्ट नहीं देगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका पैरा पोजीशन, फिनॉल का जो पैरा पोजीशन है वो बिल्कुल फ्री है। तो पैरा पोजीशन फ्री है इसका मतलब ये डाई टेस्ट देगा, क्योंकि थैलिक एनहाइड्राइड बड़ा सा ग्रुप है तो उसको पैरा फ्री चाहिए। यहाँ पर भी पैरा क्या है, फ्री है, कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये भी टेस्ट देगा। देखिए यहाँ पर पैरा जो है प्री ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर पैरा क्या है, प्री ऑक्यूपाइड है, तो ये जो है आपको फिनॉफ्थेलिन डाई टेस्ट नहीं देगा।